जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन की क्या डिस्टेंस से एमबीए करना सही रहेगा, अगर करें तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से हमें करना चाहिए, कितनी फीस लगती है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है। तो आप लोगों के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि क्या डिस्टेंस से एमबीए करना सही रहेगा, डिस्टेंस से एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप वर्किंग में हैं और आपके पास समय नहीं है, या फिर आप अपना जो काम करते हैं या आप अभी कुछ और स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एमबीए करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि डिस्टेंस से एमबीए करने के बाद में वो डिग्री वैलिड होगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो साथियों बता दें आपको, यूजीसी ने इसके लिए नोटिस जारी किया था कि आप चाहे रेगुलर से पढ़ाई करें, डिस्टेंस से करें या प्राइवेट से करें, सभी की जो डिग्री होगी सभी एक समान होगी, सभी की वैल्यू बराबर होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो आपकी डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, जब आप डिस्टेंस से एमबीए करें तो उस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आप अप्रूवल जरूर चेक कर लें। अप्रूवल में भी आपका दो से तीन चीज आपको चेक करनी है। सबसे पहला है कि वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल है या फिर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी आपका जो है, तो वो आपका यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो उसके पास वो अप्रूवल है डिस्टेंस का या फिर नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी आपको चेक करना है कि उसके पास एमबीए का उस सेशन का अप्रूवल है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए हर साल यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना होता है। तो उसको आपको ये भी चेक करना है। तीसरा, आपको चेक करना है यदि आप डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी वो किस ग्रेड में आती है, यानी कि उसके पास नैक एग्रीगेटेड वो है या फिर नहीं है, नैक में भी आपको उसको कौन सा ग्रेड मिला हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यदि आप डिस्टेंस एमबीए करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है। तो साथियों, डिस्टेंस से यदि आप एमबीए करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, यानी कि आप सभी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर आप वहां से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बात करें साथियों कि ब्रांच कौन सी बेस्ट है। बहुत सारी ब्रांच होती है एमबीए में, जैसे आपका एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईबी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो साथियों आपको ब्रांच के बारे में बता दें, तो ब्रांच आपकी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से आप कर सकते हैं। सभी ब्रांच बेस्ट हैं, सभी में अपना अपना स्कोप है, तो सभी ब्रांच बेस्ट होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका डुअल स्पेशलाइजेशन भी कराती है, यानी कि दो आप ब्रांच एक साथ ले सकते हैं, कुछ में आपका सिंगल होता है। तो यदि आप डुअल स्पेशलाइजेशन से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसे एचआर के साथ, फाइनेंस, मार्केटिंग के साथ, कुछ भी आप दो ब्रांच आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें कि इसको करने के बाद में स्कोप क्या है। तो साथियों यदि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो स्कोप काफी अच्छा है, सैलरी पैकेज काफी अच्छा रहता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो एमबीए आप कर सकते हैं डिस्टेंस से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।